ज़ादो, एक मामूली पुलिस वाले से मार खा के आ गए तुम। अरे अब जाने भी दीजिए, बस कीजिए जीजा गुरु, माफ कर दीजिए इन्हें। दरअसल हुआ ये था कि आपका वफादार शंकर बीच में आ गया, वरना उस अफसर की आज राम नाम सत हो ही गई थी। वैसे जीजा गुरु, आपको इलेक्शन के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ ठाकुर साहब, इलेक्शन कैंसिल नहीं हुए हैं, बल्कि सिर्फ 3 महीने के लिए मुलतवी हुए हैं। हाँ, ये तो अच्छा ही हुआ, अब तो आपके सामने खड़ा होने की किसी में हिम्मत नहीं होगी, चारों तरफ बस जीजा गुरु की जय जयकार होगी। पांव लागू छोटे ठाकुर साहब। ये छोरी कौन है रे? हमारी लुगाई है छोटे ठाकुर साहब। गेहूं के खेत में भी गुलाब लगने लग गए, संभाल के रखियो, चलो रे। जय माता जी की ठाकुर साहब। क्या रे, चुप के नहीं कर सकता? बड़ी चर्बी आ गई साले तेरे को। ठाकुर साहब माफ कर दो, भूल हो गई। भूल हो गए ठाकुर साहब। नहीं ठाकुर साहब, नहीं। ठाकुर, क्यों गरीब पर जुल्म ढा रहे हो? एक तो ये साला काम नहीं करता, दूसरा इसने हमारे साथ बदतमीजी की है। क्या बात करते हो ठाकुर? इस गांव में आपके खिलाफ कोई कुछ कहने की हिम्मत रखता है? लगता है आपको गरीबों पर जुल्म ढाने में मजा आता है। शंकर, जबान को लगाम दो। दादा, शंकर ने सैकड़ों मजदूरों के सामने मेरे हाथ का कोड़ा पकड़ लिया। मालिक के हाथ का कोड़ा पकड़ लेने का आप मतलब जानते हैं? मालिक का अधिकार छीन लेना, इसने मेरी बेइज्जती की है दादा। ये क्या सुन रहा हूं शंकर, क्या बात है? दाता गुरु, ठाकुर के कोड़े पर लगा हुआ मजदूर का खून देखिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। राम भली करे, मजदूरों से काम लेने के लिए तनिक शक्ति का प्रयोग तो करना ही पड़ता है ना जीजा श्री। क्यों मामा जी, मजदूरों के काम में कौन सी कमी रह गई? दादा गुरु, छोटे ठाकुर को मजदूरों को तड़पाने में बड़ा आनंद मिलता है। अपनी मर्यादा में रहो शंकर। खामोश हो जाओ बेटे। आपके खेतों में मजदूर अपने घर का काम समझकर करते हैं, फिर उनके साथ ऐसा सलूक क्यों होता है? आइंदा ऐसा नहीं होगा शंकर, हम गुमान को समझा देंगे, तुम जाओ। ये आपने अच्छा नहीं किया जीजा श्री, इससे शंकर का बच्चा और सर पे चढ़ जाएगा। मामा श्री, दादा को इन बातों की क्या फिक्र, ये तो बस ये सियासत की बातें हैं बेटा, इन्हें समझो। जब तक शंकर हमारे हाथ में है, तभी तक मजदूर हमारे हाथ में है। चल बोल फिर, नहीं ठहरो, थोड़ा आगे से, आगे से। मगर दीदी, ये तो चीटिंग है। चीटिंग तो चीटिंग सही, कम से कम बॉल को मारने का मौका तो मिलेगा। चल फेंक।
देखकर नहीं खेल सकती तुलसी? अरे मौसी, मैं तो देखकर ही खेल रही थी, मगर इस बॉल की आंखें नहीं होती ना, कम से कम आप तो देखकर चला करो। अभी जाकर शंकर भैया से शिकायत करती हूँ। अरे जा, कौन डरता है, चल राजू बॉल फेंक, बढ़िया ही बोलने वाली है। चल मार दिया रे। ये क्या मामूली चोट लगी है यार, ये ले 30 रुपए, पकड़ना है यार। अमासी ये ले, तू 20 रुपए ले, पास वाले गांव में जाके पट्टी करवा ले। इतनी गहरी चोट लगी है और सिर्फ 30 रुपए दे रहे हो शंकर भैया? हाय हाय हाय, इतनी गहरी चोट लगी है, दिन भर दिहाड़ी करने के बाद 30 रुपए मिलते हैं, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। कसूर तेरा है मौसी, तो चलती कहीं है, देखती कहीं है, इसमें बेचारी तुलसी का क्या कसूर है? हाँ हाँ, कसूर तो हम लोगों का ही है। शंकर तू अपनी बहन के प्यार में अंधा हो गया है, तुझे उसका कसूर दिखाई नहीं देता है? हाँ हाँ, मुझे तो बहन के प्यार ने अंधा कर दिया। अरे तुम लोग तो देखकर चला करो, कहीं उसके बाल तुम्हें काना ना बना दे। ये लो 100 रुपए ले लो, जाओ बांट लो आपस में, जाओ बाप। क्यों री छुटकी, आधे गांव को काना बना दिया तूने, किसी को लंगड़ा लूला कर दिया, तू शहर से क्या इनको बाल से पीटने के लिए आती है? वो क्या है ना भैया, ये लोग सब आते जाते बीच में। हाँ आते जाते हैं बीच में, तेरा कसूर थोड़ी है, कसूर तेरे बल्ले का है, बाल का है, और फिर ये लोग भी सामने आ जाते हैं ना। अरे मेरी बहन नाराज होगी, मैं तो इन गांव वालों पे गुस्सा कर रहा था, मुझे मालूम है ये आ जाते हैं सामने, पागल हैं, गधे हैं ये लोग। अब मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, आज या मैंने तेरे लिए हलवा बनाया, जिगरी डाल के जा ठंडा जगह जा खा ले जा। थैंक यू भैया। ये गांव वाले खाम का परेशान। ओ ससुर जी नमस्ते। पसर जी, मैं तुझे पूरा गांव में ढूंढ रहा, तू था कहाँ? मैं तो यहीं था। अच्छा ले ये मुंह मीठा कर। इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? प्रेम मिलाया ना, लिखो ना। क्या चक्कर है? आज है ना बहुत महान दिन है, पंडित ने मेरी शादी का मुहूर्त निकाला है क्या? मुहूर्त तो निकलते रहते हैं। अच्छा चल चल, तू मेरे घर चल। क्यों? आज तुझे मालूम नहीं क्या दिन है? आज क्या दिन है? ये रक्षाबंधन का दिन है। चल मेरे साथ मेरे घर चल और मेरी बेटी के हाथों से राखी बंधवा ले। चलो। प्रभु तेरी बहुत कृपा है मुझ पर, तेरा दिया सब कुछ है, बस इतना और कर दे मालिक कि मैं अपनी छोटी बहन की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह संभाल सकूं, उसे खुश रखना। प्रभु भोलेनाथ एक विनती और है, मेरी तुलसी के लिए कोई ऐसा वर मिल जाए जो उसे हमेशा खुश रखे। तुम्हारी ये मुराद कभी पूरी नहीं होगी बच्चे। प्रभु अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप? हाँ हम है बाल ब्रह्मचारी चटाधारी कन्या कुमारी, समझा बच्चा शंकर? आप तो चमत्कारी प्रभु, आप मेरा नाम भी जानते हैं। बच्चा नाम भी जानते हैं और तुम्हारा दुख दर्द भी जानते हैं, बहन की चिंता खाई जा रही है तुम्हें। आप महान हैं प्रभु, अंतर्यामी हैं, आशीर्वाद दीजिए प्रभु, मेरी बहन सदा सुखी रहे। असंभव 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 बच्चे। क्यों प्रभु? इसलिए कि तुम पर कन्या राशि का प्रकोप है। ये प्रकोप क्या होता है जी? प्रॉब्लम समस्या समस्या। प्रभु आप तो इंग्लिश भाषा भी जानते हैं, इसका उपाय भी बता दीजिए। उपाय है बच्चा, कन्या राशि का तोड़ कन्या से ही होगा। कन्या राशि का तोड़ कन्या से होगा, मैं आपका मतलब नहीं समझा प्रभु। शादी कर लो बच्चा, एक कन्या घर के अंदर आएगी और एक कन्या घर से बाहर जाएगी। एक कन्या आएगी, एक कन्या जाएगी। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। एक कन्या आएगी, एक कन्या जाएगी, महाराज आपने मुझे दुविधा में डाल दिया। अलख निरंजन अलख निरंजन, क्या देख रहे हो बच्चा? देख रहा हूँ महाराज कि ईश्वर की लीला कितनी न्यारी है। वाह भोलेनाथ वाह। जानते हो महाराज, रात को भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे और कहने लगे। क्या कहने लगे?
कि सुबह सुबह मंदिर के सामने एक जटाधारी बाल ब्रह्मचारी महाराज मिलेंगे, बस उनके पाँव पकड़ लेना, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। जय महाराज। अवश्य पूरी होगी बच्चा, अवश्य पूरी होगी, मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? व्हाट प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम। तुम एक अमीर बाप के बेटे हो और वो एक सीधी साधी भोली भाली मामूली किसान की बहन है। ये प्यार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे अरे महाराज, अव्वल तो प्यार बड़ी मुश्किल से होता है, अगर होता है तो अमीरी गरीबी का चक्कर कहाँ दिखता है। क्या कह रहे हो महाराज आप? वाह बच्चा वाह, हम तेरी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए। जा, भगवान तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। थैंक यू महाराज। अरे महाराज कहाँ चले, इतना बड़ा आशीर्वाद देकर कहाँ चले, हमें भी तो मौका दो सेवा करने का, हम भी तो तुम्हारे। छूना रही, भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। यार मैं तो वैसे ही जल रहे महाराज। बाय द वे, आपने कभी प्यार किया महाराज? हम बाल ब्रह्मचारी। ओहो, आप बाल ब्रह्मचारी, अच्छा है, मैं भी ब्रह्मचारी, लेकिन ये क्या है कन्याकुमारी, है? क्या है ये, क्या है ये? वो क्या? वो भैया। वो भैया कहाँ? भैया का चक्कर। ओहो, भैया का चक्कर याद रहता है, लेकिन मेरा चक्कर कोई याद नहीं रहता। अरे तेरी तुम दाढ़ी खींच तू, देख रहे कहाँ है भैया? अच्छा अच्छा, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। आइए मालिक आइए। बलबीरा जी, ये घर क्यों घूम रहा है? मालिक अभी तो सिर्फ घर घूमता है, थोड़ी देर के बाद आपको दुनिया घूमती हुई दिखाई देगी। लगता है आज शिवरात्रि के दिन मंदिर में आपको ठंडाई की जगह भांग पिला दी गई है। भांग? अब क्या होगा? मैं भैया को क्या मुंह दिखाऊंगी? तुलसी तो गाय को रो रही है, तुलसी तो रोएगी तो मुझको भी रोना है। तुलसी तुझे मेरे के साथ, तुलसी तो रोएगी नहीं, तुलसी तुझे मेरे के साथ। मर्दों के रोते हो। मैं कहाँ रो रहा हूँ? लेकिन तुलसी तो रोएगी तो मुझे भी रोना आएगा। तू क्यों रो रहा है? मालिक आप रोएंगे तो मैं भी रोऊंगा ही ना। भांग पीने के बाद ऐसा ही होता है, आदमी रोता है तो रोता ही रहता है, और हंसता है तो हंसता ही रहता है। मालिक आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जय भोलेनाथ, बम भोलेनाथ। चलो। वाह भोलेनाथ वाह, तेरी भांग की बूटी की भी क्या ब्यूटी है, दिन को रात कर दे और रात को दिन, बम बम भोले। मजा आ गया। अरे भारत तो चांद से बाकी सितारे सारे मोरे भाई। अब भाई इन बकरियों को कटवाना मत, इनका दूध बहुत अच्छा होता है, गांधी जी पिया करते थे। नमस्ते जी। राम राम भाई। मंगलू कैसे हो? अच्छा। सुबह कहाँ जा रहे हो बिटिया के साथ? बात ये मासी, शहर से एक डॉक्टर आया पड़ोस के गांव में, उसे इसको दिखलाने के लिए ले जा रहा हूँ। क्यों भाई, क्या रोग है इसे, क्या बीमारी है? मासी क्या है, इसकी उम्र तो बढ़ रही है लेकिन कद नहीं बढ़ रहा है। इसका नाम क्या है? दुलारी। दुलारी जी, बाप की प्यारी। बात सुन जी, इसका कद बढ़ाने के लिए एक गुरु मंत्र दूं? जी जी नमस्ते जी, बड़ी मेहरबानी होगी। इसका नाम बदल ले। लेकिन क्यों? इसका नाम दुलारी से महंगाई रख दे। महंगाई नाम रखेगा ना तो यूं बढ़ेगी, सातों आसमान को छुएगी। तुलसी, ये कपड़े तो यहीं भूले जा रही है, लो रख लो इन्हें भी। रहने दो भैया, मैं इसे पहनकर बोर हो गई हूँ। ये बहन भाई के प्यार में बस छूट जाएगी। शंकर भैया जल्दी करो, ये बस मेरी नहीं है, सरकार की है, छूट जाएगी। आ रहे हैं भाई, चलो चलिए। आओ जाने वालों, सुनो बस की कहानी। आओ भैया आओ, इस बिजली के चक्कर में बस छूट जाएगी। मेरा नाम बिजली नहीं, तुलसी है। अरे नाम तो तुलसी है लेकिन बिजली होना चाहिए था भैया। आई
मेरे शहर में अपना ख्याल रखना। जी भुआ। वक्त खाना वक्त सोना। जी भुआ, खा लूंगा वक्त पे। और यहाँ की चिंता जरा भी न करना। बस बुआ, एक ही तो चिंता है जो मुझे दीमक की तरह खा रही है। वो कौन सी चिंता है? भाभी की चिंता। हाँ? बुआ, दादा को समझा कर उनकी दूसरी शादी करवा दीजिए। हाँ? आप तो जानते हैं विधवा का दर्द कैसा होता है। हाँ बेटे, हाँ। दादा को समझाइए, बहुत बड़ा पुण्य काम होगा। पाप और पुण्य क्या है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं। दादा, क्या होगा अगर भाभी की दूसरी शादी हो जाए? विधवा होना पाप तो नहीं? हमारे खानदान की औरत को कोई और हाथ लगाए ये हमें बर्दाश्त नहीं। आप अपने झूठे अहंकार के दायरे में कैद हैं, कभी दूसरों के बारे में भी सोचिए। बेटा, अपनी समझदारी को शहर तक ही रखो, अब तुम्हें देर हो रही होगी, जाओ। ये मुझे आप कहाँ ले आए हो? अपने दिल के बगीचे में। ये कोई बगीचा है? इस गांव में ऐसी जगह है नहीं उसके लिए। क्या? प्रेम करने के लिए। ये तो भैंसों का तबेला है, यहाँ तो मैं मैली हो जाऊंगी। राम तेरी गंगा मैली, मैं तो चली। अरे मेरी कबूतरी, तू कहाँ जा रही है मुझे छोड़कर? अभी प्यार करना तो बाकी है। मेरे परम परमेश्वर, एक बार मुझे अपने तू घर ले चलो, देखना मैं तुझे इतना प्यार करूंगी। अरे बुड्ढे रुकना, इतना प्यार करूंगी कि कसम तुम्हारे सब अच्छे बच्चों की। हा? मेरे बच्चे अभी तक कहाँ हुए? मेरा मतलब है होने वाले बच्चों की। दाता गुरु की जय। दाता गुरु की जय। दाता गुरु की जय। बली करे। एक शैतान और भगवान के घर में बसर। जाने दीजिए दादा गुरु, इसके मुंह मत लगिए, ये तो बावला है बावला। हाँ। आजकल सच बोलने वालों को बावला ही कहा जाता है। ठाकुर साहब आए हैं तो कम से कम दूध ही पी लीजिए। क्यों? आज नाग पंचमी है तो जाके नागों को पिलाओ। आपसे बड़ा नाग कौन होगा? ठाकुर, तूने जितना दूध बहाया ना, उससे कई गुना इस धरती पे तेरा खून बहेगा। भगवान के द्वार पे खड़ा होके ये दिल जला कह रहा है कि तू पागल कुत्ते से भी बुरी मौत मरेगा, बुरी मौत मरेगा। मास्टर जी, मास्टर जी, क्या हो गया आपको? दाता गुरु जैसे महान आदमी को आप इतना बुरा भला कह रहे हैं? शंकर, शंकर, मैं इस शैतान को इंसान कैसे कहूँ? मास्टर जी, क्या हो गया आपको? मुझे ये बता कि दिन है कि रात? ये तो दिन है। अगर मैं दिन को रात कहूँ और रात को दिन कहूँ तो तू ही नहीं भगवान भी मुझे पागल समझकर ऐसे पाताल में गाड़ देगा जहाँ मैं ना जी सकूंगा और ना ही मर सकूंगा। आपकी भाषा मेरे पल्ले तो पड़ नहीं रही, पर लगता है आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। चलता हूँ। गलतफहमी मुझे नहीं तुझे हुई है, और जिस दिन तेरी गलतफहमी दूर हो जाएगी ना, इस दुष्ट को तू कुत्ते की मौत मारेगा, तू मारेगा। हाँ, तू मारेगा। क्या बात है भाभी, मंदिर जा रही हो? अबे ओ कालिए, बड़ी भाभी को उठा के फार्म हाउस पर ले आओ। दाता श्री को मालूम पड़ गया तो कुछ कहने लायक रहेगी तब ना। जा। जिसने की शर्म
उसके तो फूटे कर्म। थूकती हूँ तुम्हारी नीच हरकतों पर। तुम्हारे भाई की आत्मा को कितनी तकलीफ होती होगी। अरे जो मर गया उसको छोड़ो, जो है उसके बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपनी इस जवानी के बारे में सोचो। छोटे ठाकुर, अपनी भाभी पर हाथ उठा तो शर्म नहीं आपको? ए शंकर, ये हमारा घरेलू मामला है, तुम जाओ यहां से। अरे छोटे ठाकुर, बड़ी बहू पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहां से। तुम चलो छोटे ठाकुर, छोड़ दो बड़ी बहू को, मैं कहता हूँ छोड़ दो। क्या हुआ तुम्हें, इतना गहरा जख्म? ये जख्म तो भर जाएगा दादा, लेकिन वो जख्म जो खानदान की इज्जत पर लग गया है कभी नहीं भरेगा। साफ साफ बताओ क्या बात है दादा। अपने टुकड़ों पर पलने वाला वो शंकर पूरी भाभी के साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम दादा? ये तो मैं वक्त पर वहां पहुंच गया, सब गलत हो जाता। ये सब गलत है दादा गुरु, छोटे ठाकुर झूठ बोल रहे हैं। दादा गुरु सच्चाई सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। सच्चाई क्या है हम जान चुके हैं, शक तो हमें उसी दिन हो गया था जिस दिन हमारे सामने तुमने बहू के लिए हमदर्दी दिखाई थी। क्या कह रहे हैं आप, एक देवी समान औरत पर इल्जाम लगाते हुए आपको शोभा नहीं देता? जरा भी नहीं सोचा खानदान की इज्जत का। बेहाया? नहीं नहीं दादा गुरु, ऐसा जुल्म मत कीजिए। उल्टा मैं आपको सच्चाई बताता हूँ दादा गुरु, बड़ी बहू को छोड़ दीजिए। असल मत कीजिए दादा गुरु, जो सजा देनी है मुझे दे लीजिए। तुझे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। ले जाओ इस गुनहगार को और बंद कर दो काल कोठरी में, मरने दो इसे भूखा और प्यासा। ले जाओ इसे, ले जाओ। दादा गुरु मुझे समझने की कोशिश कीजिए, ये साक्षात देवी है, गुनहगार तो छोटे ठाकुर है, बड़ी बहू साक्षात देवी है। दादा गुरु इसका शराब मत लो, वरना ये महल ये चुमारे सब ढह जाएंगे। दादा गुरु कुछ नहीं बचेगा, इसे सजा मत दो। शंकर अलागो मांझ, जीते रहो बेटा, जीते रहो। शंकर बेटे खाना खा ले।
दो दिन से कुछ खाया नहीं है तुमने, ये ले खा ले। वाह बुआ वाह, कमाल कर दिया है, खूब खानदान का नाम रोशन किया है। अरे अरे, इसमें बुआ का क्या दोष है भला, राम भली करे, बड़ी बहू से शंकर की भूख बर्दाश्त नहीं हुई होगी, और दरअसल अपनी भूख भी तो बर्दाश्त नहीं हुई होगी। कुत्ते, जबान संभाल के बात कर। होश तो माँ कसम, भाभी की जवानी देख के उड़ जाते हैं। अरे कुछ तो शर्म कर गुमाना, बड़ी भाभी माँ समान होती है। माँ के समान होती है, माँ तो नहीं है ना। अरे तेरी जबान कट जाए बेशरम। तूने अपनी जवानी तो विधवापने में बिता दी, अब भाभी की जवानी पे तो तरस खा। हट, अपने यार से मिलने आई थी, शर्म नहीं आती। बड़ी बहू को छोड़ दे ठाकुर। अरे कभी नहीं, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, मैं कहती हूँ छोड़ दे। इस रिश्ते को समझ ठाकुर। तू यहाँ क्या कर रही है, राम भली करे, बाहर चल चल। अच्छी बुढ़िया, छोड़ दे। ऊपर वाले से डर पापी, छोड़ दे, छोड़ दे बहू, छोड़ दे से।